अब देखो मेरे बाल कोई बहुत अच्छे नहीं है, पहले के फोटोज देख सकते हो और अब के फोटोज देख सकते हो, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू डीएचटी एक बहुत बड़ा भाग निभाता है हमारे हेयर थिन आउट करने में, तो अगर हम इस डीएचटी को कंट्रोल कर पाए तो हम इस गंजापन को रोक सकते हैं। अब देखो मेरे बाल कोई बहुत अच्छे नहीं है, पहले के फोटोज देख सकते हो और अब के फोटोज देख सकते हो, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लर्न ऑन अ डेली बेसिस एंड मैं वही स्टेप्स खुद पर अप्लाई कर रहा हूँ और मैं वही स्टेप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए, ताकि आप भी आपके बाल बचा सको। बाल किसे पसंद नहीं होते यार, मुझे तो बहुत पसंद है। इफ यू आर मोटिवेटेड टू सेव योर हेयर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको भी बाल पसंद है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं ऑन अ डेली बेसिस एंड मैं चाहता हूं आप भी इन्हें फॉलो करें ताकि इससे हमारी डीएचटी कम हो जाए। सबसे पहला टिप आता है डाइट। अब सारे यूट्यूबर्स कहते हैं डाइट अच्छी रखनी चाहिए, बाल बच जाएंगे। मैं खुद डाइट रखता था बट स्टिल मेरे बाल झड़ रहे थे, लेकिन इस डाइट में आपको स्पेसिफिक फूड्स इंक्लूड करने पड़ेंगे जो डीएचटी कम करती है। तो सबसे पहला आता है जिंक। दिस मिनरल इज अवेलेबल इन वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच एंड मशरूम। इनके अंदर होता है फाइटोस्ट्रॉल, ये डीएचटी प्रोडक्शन को कम करता है हमारे स्कैल्प पर। दूसरा जो फूड्स होते हैं, फूड्स विच आर रिच इन लाइकोपीन सच एज टोमेटोस, कैरेट्स, वाटरमेलन, मैंगोज, ये नेचुरली डीएचटी को ब्लॉक करता है हमारे बॉडी से। तो अब आप कहोगे हम क्या रोज भाजी बनाते बैठे इसका, डोंट वरी आई विल गिव यू इजी सॉल्यूशन हियर। मैं खुद क्या करता हूं, आई प्रिपेयर अ जूस इन द मॉर्निंग, बीटरूट, कैरेट, आंवला, वाटरमेलन, टोमेटो और स्पिनच डाल के मैं इसका एक जूस बनाता हूं एंड आई कंज्यूम it on a empty stomach in the morning. ये digestion में भी काफी मदद करता है and then ये DHT production को भी कम करता है first thing in the morning. ये दो foods मैंने recently include किए थे, soybean and pumpkin seeds. Soybean के अंदर natural DHT blocking features available होते हैं and pumpkin seeds के अंदर zinc, magnesium होता है which reduces thinning of the hair. अब आप इसको तुरंत जाके Google पर search कर सकते हो while you're watching this video and आपको पता चल जाएगा इनके बारे में। दूसरा tip है using 5-AR inhibitors. अब AR का full form क्या होता है? 5 अल्फा रिडक्टेज। और ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, दे प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। सो यू कैन यूज नियो हेयर ऑयल, मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्रॉइड। दीज आर प्रूवन बाय द मेडिकल डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू ट्रीट मेल पैटर्न बालनेस। मैंने मिनोक्सिडिल यूज किया है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है और इसे बाल भी अच्छे आ जाते हैं। करेंटली आई एम नॉट यूजिंग दिस, लेकिन अगर आप मिनोक्सिडिल स्टॉप करोगे तो आपका मेल पैटर्न बालनेस वापस चालू हो जाएगा। सो यू शुड कीप ऑन यूजिंग इट। करेंटली मैं नियो हेयर ऑयल यूज कर रहा हूं, वो भी मुझे काफी अच्छा प्रोडक्ट लगा, लेकिन मैंने फिनेस्ट्रॉइड कभी यूज नहीं किया है क्योंकि जब मैंने इसके साइड इफेक्ट्स देखे आई डिड नॉट फील लाइक यूजिंग इट। अगर आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो भी चाहिए, रिसर्च वीडियो, तो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं वो एक वीडियो बना दूंगा। करेंटली मैं डर्मा रोलर यूज कर रहा हूं एंड डर्मा रोलर मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे काम करता है, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देख भी सकते हो वो। तो जो पिंस होते हैं उसके अंदर वो होल्स क्रिएट करते हैं हमारे सर पर एंड जो वूंड्स बन जाते हैं हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स भेजती है इन ऑर्डर टू हील दोस वूंड्स, और उसी के चक्कर में हमारे बालों को न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं एंड हमारे बाल हेल्दी हो जाते हैं एंड डीएचटी कम हो जाता है। अब तीसरा टिप है लाइफस्टाइल चेंजेस। अब मुझे पता है काम करके पढ़ाई करके काफी स्ट्रेस हो जाता है हमारे सर पर एंड दिस स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी ऑल लूज आवर हेयर एट अ वेरी यंग एज। तो इसी स्ट्रेस को कम करने के लिए ट्राई इंडल्जिंग इनटू एक्टिविटीज जो आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल मुझे जिम जाना पसंद है, आई लाइक लिफ्टिंग वेट। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो वो कर सकते हो, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट जो आपको पसंद है। ये बेसिकली आपका स्ट्रेस कम करेगा एंड देयर इज वन मोर एक्टिविटी that I have learned which helps in blocking DHT while I am doing this and it is headstands. तो मेरे वर्कआउट चालू करने से पहले I do headstands for 3 minutes and मुझे ऐसे फील होता है कि ब्लड हमारे स्कैल्प पर पहुंचता है and it helps in blocking DHT और meditation भी हो जाता है, stress काफी कम हो जाता है इसे। It's a highly recommended technique, एक योगा का pattern भी है, शीर्षासन बोलते हैं इसे। Make sure you follow it on a daily basis, you would become good at it as days pass by. तो भी recently मैं research कर रहा था about hair transplant and PRP and I found that hair transplant में basically यहाँ से बाल निकालते हैं and then they put it ahead. It's a operation. Yeah, time लगता है इसमें। PRP काफी easy process होता है, आप ही का खून निकालेंगे, they are gonna put it here on your scalp, nutrients and minerals मिल जाते हैं, काफी easy process है। I found PRP was good. तो PRP के related मेरे थोड़े plans हैं but not at the moment. I'll keep you guys updated. अगर आपको इन दोनों पर एक researched video चाहिए, detailed video, साधारण भाषा में explain करने वाली video चाहिए, मुझे comment section में बताना, I'll make it for you guys. मैंने डर्मा रोलर पर एक और वीडियो बनाया है और मैं वो डेली यूज करता हूँ, वो आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में बताना एंड फील फ्री टू रीच आउट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, मच लव, गॉड ब्लेस यू ऑल।